में स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार पांडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डीएससी रजिस्ट्रेशन का ऊपर, कैसे हम लोग जो न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आया है उसमें कैसे डीएससी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसका पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया था, तो वो दोबारा मैं नहीं बोलूँगा। उसका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो देख सकते हैं कि कैसे डीएससी रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे मैं एंड पार्ट में बोल दिया था कि जो टैन के टाइम में जो टीडीएस रिटर्न कर भरते हैं ऑनलाइन थ्रू अपलोड करते हैं, तो उसमें जो टैन का थ्रू हम लोग लॉगिन करते हैं उसमें डीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं देता है डीएससी रजिस्ट्रेशन करने का, तो उसमें जो ऑथराइज पर्सन है, जो सिग्नेचरी पर्सन है, उनका पैन में लॉगिन करके आपको करना पड़ेगा। मैं वहाँ पे बोल दिया था जून 24 में, जो वीडियो बनाया था डीएससी का ऊपर उसमें प्रॉपरली बोल दिया था। फिर भी बहुत सारा आदमी का इसका बहुत डाउट है, वो डाउट को इसमें क्लियर करते हैं। टॉपिक को जाने से पहले, मेरा चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का ऊपर। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कंपनी हो या फिर फार्म हो या फिर टैन लॉगिन जो करते हैं, लॉगिन आईडी जो इनकम टैक्स में है, तो उसमें कैसे डीएससी रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सीपीसी से ये एसएमएस आया है, जुलाई 10 तारीख को एसएमएस आया है। सारा डिडक्टर के पास गया होगा एसएमएस। इसमें बोला गया अटेंशन डिडक्टर्स, बोथ डीएससी एंड आधार ओटीपी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर वेरीफाइंग टीडीएस स्टेटमेंट अपलोड। यानी टीडीएस जो रिटर्न अपलोड करेंगे उसमें पहले डीएससी का ऑप्शन दिया गया था, न्यू जो इनकम टैक्स पोर्टल आया है अभी आधार का भी ऑप्शन दे दिया, यानी दो ऑप्शन आपको मिल गया है। फॉर रजिस्टरिंग डीएससी दिस द प्रोसेस हैज चेंज, यानी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है चेंज हो गया है। तो डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा है, मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया, डीएससी हैज टू बी रजिस्टर ओनली ओनली बाय द प्रो कॉन्ट्रैक्ट पर्सन या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी। यानी कोई प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर खुद, या फिर कोई फार्म हो या कंपनी हो उसमें कोई ऑथराइज सिग्नेचरी पर्सन है, कोई डायरेक्टर हो सकता है या कोई ऑथराइज पार्टनर हो सकता है, तो वो क्या करेगा कि इन हिज पैन लॉगिन, यानी उसका पैन लॉगिन करके उसका डीएससी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। यानी उसका पैन नंबर देगा, ऑथराइज पर्सन जो है कंपनी के टाइम में हो या फिर फार्म के टाइम में हो या फिर टैन में जो है ऑथराइज पर्सन हो कोई होगा, तो ऑथराइज पर्सन का पैन लॉगिन करके वहाँ पे डीएससी रजिस्ट्रेशन कर लेगा। प्रोप्राइटर केस में खुद तो प्रोप्राइटर है, उसका पैन में लॉगिन करके कर लेगा, तो टैन में आपको लॉगिन करके डीएससी रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। कंपनी के टाइम में कंपनी का यूजर आईडी इनकम टैक्स में दे के भी करना नहीं पड़ेगा, फार्म के टाइम में भी ऐसे नहीं करना पड़ेगा, वही उसका ऑथराइज जो पार्टनर है उसका पैन नंबर दे के लॉगिन करके कर लेंगे। यहाँ पे बोला गया सेम चीज़, नो नीड टू री रजिस्टर अगेन अंडर टैन और कंपनी और फार्म लॉगिन इटीसी। यानी दोबारा आपको करना नहीं पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, कंपनी के टाइम में हो या फार्म के टाइम में हो या फिर टैन में लॉगिन करके, तो उसका कोई ऑथराइज पर्सन हो या फिर ऑथराइज डायरेक्टर कोई है कंपनी का, कोई फार्म का कोई ऑथराइज पार्टनर है या फिर टैन में भी कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसका इन पर्सनल उसका इनकम टैक्स में लॉगिन करके उसका डीएससी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सारा डाउट क्लियर हो गया आपको। कंपनी के टाइम में डायरेक्टर कोई ऑथराइज है तो वो करेगा उसका इनकम टैक्स में लॉगिन करके, ना कि कंपनी। फार्म के टाइम में सेम है, टैन के टाइम में भी सेम है। टैन में जो ऑथराइज पर्सन है कोई प्रोप्राइटरशिप का कंपनी है तो उसका टैन है, तो प्रोप्राइटर जो है खुद उसका इनकम टैक्स में लॉगिन करके कर लेगा। टैन में यूजर आईडी जो टैन नंबर रहता है जो टीडीएस रिटर्न अपलोड करने के लिए, वहाँ पे डीएससी रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको क्या है, ईएम साइनर जो है, अपडेट ईएम साइनर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको डीएससी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में, ठीक। और आपको टीडीएस जो अपलोड करेंगे वहाँ पे आपको ईएम साइनर लगेगा।
सारा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको हाई वो मिल गया हो। तो कंपनी के टाइम में, फार्म के टाइम में और टैन जो लोग लॉगिन करके करते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रोप्राइटर हो या फिर कोई ऑथराइज पर्सन है, वही ऑथराइज पर्सन उनका खुद का इनकम टैक्स में लॉगिन करके टीएसी रजिस्ट्रेशन कर लेगा। तो कंपनी के टाइम में कोई भी डायरेक्टर हो, ऑथराइज डायरेक्टर जो है वो लॉगिन कर लेगा उसका इनकम टैक्स में। फार्म के टाइम में कोई ऑथराइज, उसका जो ऑथराइज पार्टनर है वो कर लेगा। टैन के टाइम में कोई जो सिग्नेचरी ऑथोरिटी जो है जिसको दिया गया है टीडीएस रिटर्न के टाइम में, तो वो उसका इनकम टैक्स में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।